और अभी हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए। शाम बहुत हो रही है, शाम नहीं धूप बहुत हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, धूप बहुत हो रही है। गाइस बताना जरा कैसी लग रही है। Good morning and welcome back to my channel. If you are new to my channel, hello, my name is Alisa Thapa and this is my blogging channel, guys. आप सबका मेरे blogging channel पे स्वागत है। तो guys अभी हम लोग picnic जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो guys मेरे साथ है वैशाली। Hi बोल दो। Hi. तो guys अभी हम picnic जा रहे हैं। picnic के लिए हम खाने पीने को ready कर रहे हैं। तो ये है meat। मैं बनाऊंगी chicken meat और वैशाली बनाएगी पूड़ी और चटनी। लेके हम जा रहे हैं पिकनिक। कहाँ जा रहे हैं वो आपको फाइनल लोकेशन में जाके दिखाएंगे। और इतना सुंदर लोकेशन है, आप तो भाई फ्लैट हो जाओगे। तो गाइज यहाँ पे चिकन रेडी हो रहा है और वैशाली टमाटर को रोस्ट कर रही है ताकि चटनी बनाया जाए चटपट। और मिक्सी लगा के पूरी मम्मी ऐसे। तो गाइज हमारा खाना वगैरह सारा रेडी हो गया है, पैक भी कर लिया है हमने। ये हम वहीं पे खोल के दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं। तो आइए चलते हैं एंड माय आउटफिट ऑफ द डे आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। कॉर्सेट सेट पहना है एंड नीचे मैं फ्लैट्स पहनूंगी ब्लैक कलर का एंड रेडी टू गो। नहीं भैया हो गया। तो गाइज अभी हम यहाँ पे चाउमिन पैक करा रहे हैं थोड़ा सा मतलब स्नैक्स के लिए, और बाकी तो खाने पीने का सामान यही है। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स वगैरह हम ले लेंगे यहाँ से, फिर आपको डायरेक्ट लोकेशन में जाके दिखाइए। हम तोड़ गए जब तुम जगे। वैशाली कैसा लग रहा है आपको इतना मेहनत करने के बाद? अभी तो पहुंचे ही नहीं है। तो गाइज अभी हम मतलब यहाँ तक गाड़ी नहीं जा पा रही, रास्ता बहुत खराब है। तो अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, तो अभी पहुंचने वाले हैं। वैशाली का पोज बढ़िया लग रहा है। खाना पानी। तो गाइज हमें ज्वाइन किया है अमन दाई एंड खातिको नियाल ने। हाय बोलो गाइज पीछे। अरे ये शकल तो दिखा दो। तो गाइस हमने बोला था इन्हें कि कुछ खाना बना के लेकर आना, ये बड़े हरामी लोग हैं। इन अपने लिए तो नहीं लेकर आए, पर हम लोग सुबह उठ के खाना वाना बना के लेकर आए हैं। एंड गाइस मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, सबसे बढ़िया मिनी हिमाचल है गाइस। ये पूरा आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो गाइज यहाँ पे बस थोड़े से एरिया में, हाँ और बस इतने ही एरिया में ये पेड़ और ये लोकेशन मिलेगा आपको। और लोकेशन क्या है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और गाइज यहाँ पे शूट वगैरह भी होता है, अभी जस्ट एक शूट होके जा चुके हैं। खाना बना के लाए थे जो भूख लग रही है, है? तो गाइज अभी जाएंगे खाएंगे थोड़ा पिकनिक सिकनिक करेंगे। अमन दाई कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। तो बेचारे दाई ने सारा सामान उठा रखा है। तो गाइज मैंने सिर्फ एक फन पॉप उठा रखा है क्योंकि मेरे को वो करना पड़ता है, ब्लॉगिंग करना पड़ता है ना इसीलिए। और गाइज वहाँ पे देखो कपल्स भी बैठ रखे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें, तो चलते हैं। तो गाइज मुझे ना छोटा सा मशरूम भी दिखा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे ऐसे जंगल में एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें बहुत चीज़ें मिल सकती है। जैसे ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो कितना क्यूट छोटे सा मशरूम, और ये खाने वाला ही मशरूम है, नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पे हम टाइटैनिक का पोज कर सकते हैं। बहुत मस्त हवा चल रही है, वादियाँ। क्या क्या खाने के लिए हम लाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा चिकन, चाउमीन, चटनी एंड पूड़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह 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 वगैरह। तो गाइस पिकनिक बना के हम आ गए थे, जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया था वहाँ पे क्योंकि मैच जो चल रहा है कॉलोनी में। तो अभी चलते हैं मैच के लिए, फटाफट तैयार होती हूँ मैं, और कार्तिक आने वाला है तो फिर चलते हैं, उन लोगों को भी मैच दिखा दूंगी। तो गाइस मैं हूँ कार्तिक और अभी हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए। ये देखिए अलीशा थापा, वहाँ देखिए कौन है वो, और वैशाली पुन।
सो गाइस यहाँ पे फुटबॉल के मैच चल रहे हैं क्लेमेंट टाउन में, और ये जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे हो रहा है, बुद्ध टेम्पल के पास ही है या फिर बुद्ध टेम्पल है। और अभी हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए, शाम बहुत हो रही है, सामने धूप बहुत हो रही है, अच्छा सॉरी धूप बहुत हो रही है, शाम बहुत हो रही है। चश्मा देखो, चश्मा लगा के कैसे चल रही है, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही, गाइस बताना जरा कैसी लग रही है। तो गाइस अभी तक जो भी कार्तिक ने आपको बोला होगा वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा ना। तो अभी हम आ रखे हैं ये तिब्बतन मेमोरियल फाउंडेशन जो स्कूल है, यहाँ पे मैच चल रहा है और काफ़ी बड़ा मैच चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आने का, तो आज मैं आई हूँ और किस किस का मैच है अभी बता चुका हूँ। तो गाइज अभी चल रहा है फ्रेंडली मैच जो कि है कॉलोनी वर्सेस बस्ती, तो अभी टीम जो ये ब्लू वाली टीम है ये कॉलोनी की है और जो रेड वाली टीम है वो बस्ती की है, एंड दिस इज फ्रेंडली मैच, तो स्टार्ट करते हैं मैच। वैशाली आर यू एंजॉयिंग लड़का की फुटबॉल? तो गाइज यहाँ पे फुल कॉलोनी का वार्म अप सॉन्ग चल रहा है और वहाँ बस्ती की टीम इधर उधर भटक रही है अभी फिलहाल। तो गाइज कॉलोनी का 1 हो गया है एंड बस्ती का 0 है अभी। गाइज बस्ती का 1 हो गया है तो अभी ड्रॉ चल रहा है और बहुत ही भयंकर गोल था ना, बहुत मस्त, वो 2 नंबर है जो बहुत ही फुर्तीला है। तो गाइज मैच हम बीच में छोड़ के आ चुके हैं क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग चल रहा था, बट इतना इंटरेस्ट है नहीं फुटबॉल में, बट जो भी है लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं ना, और हमें लगता है कि बस्ती जीतेगी, इनको लगता है, आप पूरे श्योर हो? क्योंकि अभी थोड़ी देर में कि कौन जीता अच्छा खबर आ जाएगी, अभी वोट का मंत्र कर रखा था ना वो बस्ती जीत। तो गाइज गाइस मैच देख के हम आ गए थे, पूरा मैच देखा नहीं था तो पता लगा है कि नई बस्ती की टीम जीत गई है मैच। सो गाइस अभी वैशाली तैयार हो रही है और मैं भी तैयार ही हो रही थी क्योंकि अभी कार्तिक जा रखा है अपने भैया को लेने, वो चेंज चूंज करने के लिए, तो काफ़ी मतलब स्वेटिंग वगैरह हो गया था धूप में बैठ बैठ के, तो वो चेंजिंग के लिए गया है अभी, और जैसे ही वो आता है फिर हम करेंगे ब्लॉग और जाएंगे यहीं कहीं पास ही में घूमने के लिए, तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज अभी मेरे साथ है कार्तिक ओनियाल जो हमसे दोबारा मिलने आए हैं, और अभी हमें कहाँ लेके जा रहे हो? ये मैं क्या मिलता है, जिसमें ना हड्डी भी हो, पेरी पेरी वाला ना, तो वो स्मोकी रेड लॉन्ग नॉर्मल लेते हैं, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला ना पेरी पेरी लार्ज जो भी है वो बजट ओके। ये हमारा ऑर्डर भी ले लिया गाइस, कुछ दोस्त अंदर है, मैं आपसे मिलाती हूँ। हाय बोल दीजिए ये कार्तिक जी के भैया, और हमारे साथ है विशाली पुन है। तो गाइज हर जगह गए और आमदो ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी हमारे के आमदो और यहाँ पे कार्तिक जी पहले से ही है। गाइस भूख भी थोड़ी सी ना, तबीयत थोड़ी ढीली है, एंड हम चिकन मोमो ये भी खा लिया हमारे साथ, मटन मोमो। गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और चेंज वेंज भी कर लिया है, खाना वाना हमने बाहर ही खा लिया था, भूख नहीं लग रही है फिलहाल, अब सीधा सोएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।